what we've been using all through most of the time, Newton's second law. Forces hai na, upar aur niche, or left and right, you balance those forces. And when you're balancing those forces, you're applying Newton's law, F is equal to ma. But remember, you're going to apply it along the horizontal axis and you're going to apply it along the vertical axis. Okay, let's try to do that. So let's try with the y axis. So at y axis, we have F net y is equal to MAy. Okay, so in this case, what is the force along the y axis? F and y, right? So F and y is equal to what? M into the centripetal acceleration with minus v squared over r. So this is 6.25. Yes. Okay. Let's try to explain this. Y minus, because the direction is opposite on the left side. The acceleration is towards the center of the circle. The center of the circle is on the left side of the axis that we are considering. It depends on your diagram. Okay. If it's on the left side, then it will be minus. Okay? हमने उसको रेफरेंस लिया है ना अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा बाद में, इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस. ओके, राइट. ओके, नाउ यू हैव टू लुक एट व्हाट व्हाट इज एफ एन वाई, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एफ एन वाई. Can anyone tell me what is the value of F and Y? अच्छा, एक्चुअली आपकी बुक में पहले आर एक्सिस की है फिर वाई एक्सिस की है. मैंने पहले वाई एक्सिस स्टार्ट कर दी है. ठीक है, सो द लेट्स डू इट द सेम वे सो दैट यू कैन फॉलो. वो नंबरिंग गलत हो रही है उसकी, राइट. So you have r axis. So you have now it's the correct number. Okay. This is Fn. x की जगह हम r इसको कह रहे हैं ना. इज दैट क्लियर? हाँ, गुड क्वेश्चन. वाई आर वी पुटिंग साइन थीटा, बताओ जरा. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हमारा ट्राइंगल फ्लिप हो गया. दैट्स वाई आई टोल्ड यू व्हेन वी वर डूइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट्स वाई आई प्रिफर नॉट टू यूज बेस एंड हाइट. बेस एंड हाइट कन्फ्यूज हो जाता है. यू नो, यू रिमेंबर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे? लेट मी राइट इट हेयर समवेयर. वेन वी वर स्टडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आर ट्राइंगल नॉर्मली इज ड्रॉन लाइक दिस, है ना. थीटा इधर होता है, राइट. एंड ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड द हाइट, दिस इज कॉल्ड द बेस, एंड दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. एंड देन हमारा ये जो होता है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, है ना. एंड दिस इज नॉर्मली वाई डायरेक्शन. सो इसलिए हम यहाँ पे जो वेक्टर लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए, तो दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई. एंड अकॉर्डिंग टू दिस जब हम लेते हैं तो ए एक्स, अच्छा इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट. अच्छा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कहते हो आप, सॉरी. ओके, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर. एंड सो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. इसके मुताबिक इफ वी डू इट, तो फिर ए एक्स बिकम्स ए कॉस थीटा, ए वाई बिकम्स ए साइन थीटा. आपने इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, बिकॉज यहाँ पे वो ट्राइंगल फ्लिप हो गया. तो अगर आप याद करके चल रहे थे ना, तो यू विल गेट अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. बट इफ यू अंडरस्टैंड इट, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट.
समझ आ रही ना, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. अब इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था, आई रिपीट अगेन, बेस की बजाय इट्स ऑलवेज बेटर टू कॉल दिस एडजेसेंट साइड. और जब ट्राइंगल फ्लिप होता है देन इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. एंड इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर आई लाइक टू कॉल दिस द ऑपोजिट. कुछ बुक्स जो है ये सिम्बल्स यूज करती हैं एंड आई थिंक इट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. इससे ना आपका वो ट्राइंगल उल्टा भी हो जाए तो यू कैन स्टिल आइडेंटिफाई इट. कैसे? एडजेसेंट का मतलब समझते हो? एडजेसेंट मीन्स साथ वाला, थीटा के साथ जो लाइन जा रही दिस इज एडजेसेंट. ऑपोजिट मीन्स थीटा के ऑपोजिट जो लाइन है वो ऑपोजिट साइड कहलाएगी, जाहिर है. एंड देन दीज रेशियोज बिकम, दिस इज एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज. नाउ यूज द सेम कॉन्सेप्ट हियर. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्स एक्सिस वी हैव आर, ठीक है. अब आर में क्या है, थीटा आपका यू, ये ट्राइंगल यू हो रहा है, बिल्कुल रोटेट हो गया ना, तो इसलिए ये वाले जो एंगल है ये भी तो थीटा बनता है. यू रिमेंबर योर ज्योमेट्री फ्रॉम स्कूल, ये ऑल्टरनेटिंग एंगल्स बनते हैं ना, यू रिमेंबर दिस एवरीवन? ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं हम? या सो एवरीवन रिमेंबर्स व्हेन देयर आर टू parallel lines and a line crossing those lines then the angles on that are alternate are equal. So therefore ye ab ye wala angle agar hum dekhenge to ye wali side kya hai, opposite. To opposite ho jayegi to ye kaun sa fir sin theta ka ratio banega na. Now you understand why fn r is equal to fn sin theta. Ye baat samajh aayi? Kisko samajh aayi? थिंक अबाउट इट. ये ट्राइंगल वो है हमारा जो स्टैंडर्ड बुक में आता है. अब ये बन रहा है ये वाला, इस थीटा को देखो, दिस थीटा आपको नजर आ रहा है सही? डू यू वॉन्ट टू कम टू द फ्रंट? अच्छा, सो कैन यू फॉलो कि थीटा के ऑपोजिट क्या है? ये वाली लाइन. जब ऑपोजिट लाइन वाला रेशियो यूज करेंगे दैट विल बी साइन, इसलिए ये साइन हो रहा है. देखो मेरी बात सुनो, जिस भी तरह से देखोगे ना ये ऑपोजिट साइड ही बनेगी. नहीं, अगर आप ये वाला ट्राइंगल भी देखोगे ना तो इसके ये वाली लाइन बनती है ना, दिस वन ये वाली बनेगी ना, तो ये भी ऑपोजिट नहीं, ये बेस नहीं बन रहा. दैट्स द रीज़न आई डोंट लाइक द बेस एंड परपेंडिकुलर, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है आपके माइंड में कि ये बेस है, जो चीज़ हॉरिजॉन्टल है ये बेस है. ज़रूरी नहीं है हर वक्त कि इट्स द बेस, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्राइंगल, राइट? ठीक है, अब समझ आ रही है? यू गेट इट व्हाई ये साइन थीटा आ रहा था? दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस प्रॉब्लम कि साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे लिया है. It's different than the usual triangle that you have. समझ आ गई है ना? ये थोड़ा सा ट्राइंगल हमारा फ्लिप हुआ हुआ है. सो ये वाली जो लाइन है ना ये ऑपोजिट साइड बन रही है, देयरफॉर हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है ये साइन थीटा बन रहा है, ठीक है, जो कि अलोंग आर है, और जो अलोंग वाई जाएगा वो कॉस थीटा बनेगा. समझ आ गई? सो एफ एन आर जो है इट्स साइन थीटा, एफ एन वाई जो है वो बनेगा एफ एन कॉस थीटा. वो सेकेंड इक्वेशन में आता है. अब कॉस वही, अगर ये ऑपोजिट साइड है तो द सेकेंड वन विल बी द एडजेसेंट साइड. तो एडजेसेंट साइड द फॉर्मूला फॉर द एडजेसेंट साइड इज कॉस थीटा. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाती है, ठीक है. दिस इज अलोंग आर एक्सिस, सो एफ नेट आर इज इक्वल टू एम ए आर. ये वाली इक्वेशन है, द नेगेटिव साइन अगेन बिकॉज इट्स ऑन द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिन, ठीक है. अच्छा, अब फॉर द फॉर वाई एक्सिस द इक्वेशन बिकम्स एफ नेट वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, सो एफ एन कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय जीरो. दिस इज इक्वेशन 6.26. हाँ जी,
पहले हमने अलॉन्ग आर एक्सिस वी न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, राइट? देन वी अप्लाइड न्यूटन लॉ अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है? अब आर एक्सिस की हमने बात कर ली थी ना, वो कैसे आया? नाउ वी कम टू द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में कौन से दो कंपोनेंट्स हैं फोर्स के? एक एफ जी, दूसरा एफ एन वाई. एफ एन वाई जो है, अकॉर्डिंग टू द सेम एक्सप्लेनेशन दैट वी डिड जस्ट नाउ, ये जो है ये लाइन जो है दिस इज एडजेसेंट टू थीटा एंड देयरफॉर वी हैव एफ एन कॉस थीटा. सो एफ एन कॉस थीटा माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए. एम ए होना चाहिए ना, लेकिन अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस देयर इज नो मोशन, द बॉडी इज नॉट मूविंग अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस, देयरफॉर इट्स जीरो. ये कैंसिल हो गया. इज दैट क्लियर? नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. अब इन इक्वेशंस में आपको सारी क्वांटिटीज जानना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा. द इजियर वे विल बी यू डिवाइड द इक्वेशंस, ठीक है? सो डिवाइड इक्वेशंस एंड ये दो इक्वेशंस जो है, राइट? एंड यू गेट माइनस एफ एन साइन थीटा डिवाइड बाय एफ एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम इन टू माइनस वी स्क्वेयर्ड ओवर आर डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है? एंड नाउ व्हाट डू यू गेट? एफ एन कैंसिल हो गया एंड यू गेट माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर्ड ओवर जी इंटू आर या आर इंटू जी. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है? टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर्ड ओवर जी आर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वेयर्ड ओवर जी आर. फ्रॉम हेयर यू कैन पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट. यू नो द वैल्यू ऑफ वी, यू नो द वैल्यू ऑफ आर एंड यू कैन कैलकुलेट इट. इज दैट क्लियर? इसको घर जाके दोबारा करो, आज ही करो, ठीक है? सो दैट यू रिमेंबर दिस एंड ट्राई टू यूज दीज फॉर्मूलाज दैट वी हैव जस्ट डिस्कस, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, सो प्लीज टेक अ फोटो. फोटो एक हमारे पास बैकअप हो जाता है समटाइम्स, यू नो, आपने स्पेसिफिकली यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट्स रिटन ऑन द बोर्ड बट यू कैन आल्सो सी इट इन द रिकॉर्डिंग्स एज वेल, ठीक है? ओके अफरीद.